प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अंजलि भाभी सुनो, क्या हुआ अंजलि भाभी? क्या हुआ अंजलि भाभी? अभी तारक के लिए किसी लड़की का फोन आया था। मैंने उस लड़की को उसका नाम पूछा तो उसने फोन काट दिया। ओके। और पता है आज सुबह क्या हुआ? किसी फैन ने तारक को पेन भेजा और उस पेन के बॉक्स में आई लव यू लिखा था। क्या? कहीं वो उसी लड़के का फोन तो नहीं था जिसने पेन भेजी थी सुबह? हाँ, मुझे नहीं पता। अंजलि भाभी, सुबह उस फैन के बारे में मेहता साहब ने आपसे क्या कहा था? उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि कोई मजाक कर रहा होगा। अंजलि भाभी, मैं तो कहती हूँ कि शाम को जब मेहता साहब घर पे आया ना, तो आप इस बात का खुलासा कर लीजिए। क्या है? चेता नर सदा सुखी। मतलब? मतलब होशियार रहने वाला सदा सुखी रहेगा। एकदम बराबर बात है। भाई, ऐसी बातों में चिंगारी भड़क कर कब आग बन जाए, हल्की सी हवा कब तूफान बन जाए, पता ही नहीं चलता। अंजलि भाभी, कहीं ये छोटा सा आई लव यू आपकी जिंदगी का सवाल न बन जाए। पोपटलाल भाई, आप यहाँ कैसे? कहीं आप हमारी बातें छुप छुप के तो नहीं सुन रहे थे ना? अरे नहीं 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 कोमल भाभी, मैं तो ये घर की चाबी देने के लिए आया था। बबीता जी के घर गया तो वहां पर ताला लगा हुआ था। रास्ते में वो रसीला भाभी मिली तो उन्होंने बताया कि पूरी महिला मंडल यहाँ पर जमा हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ आ गया। आप ये चाबी रखिए, मैं एक घंटे में आता। अरे पोपट भाई, सुन रहा मैं भी, जब एक घंटे में आ रहे हो तो फिर चाबी क्यों दे रहे हो? आप अपने पास ही रखो नी बाबा। हाँ बराबर है भाई, मैं पत्रकार हूँ, धुनी आदमी हूँ, पहले भी दो बार चाबी खो चुका हूँ। यहाँ वहाँ मैंने कहीं चाबी छोड़ दी तो? अभी दया भाभी ने बताया ना, वो क्या था, चेत तो नर सदा सुखी। हाँ, हाँ, हाँ। मैं अभी आता हूँ एक घंटे में, मिसल पाव खा के। पोपट भाई, मैं क्या कहती हूँ कि घर में ही गर्मा गर्म मिसल बना दे, ऐसा कोई ले आई है ना। दया भाभी, इस महंगाई के जमाने में एक आदमी के लिए रसोई को रखना बहुत महंगा पड़ता है। हाय जॉनी। पोपट भाई, मैं रसोई वाले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ब्रह्मांड इलाज की बात कर रही हूँ। कौन सा इलाज? पेपरमेंट इलाज मतलब? अरे वो उसके लिए हमेशा के लिए हल हो जाए वैसा इलाज। अच्छा अच्छा, परमानेंट इलाज। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। तो पोपट भाई, आप अब शादी कर लो। दया भाभी, आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरे लायक कोई सुलझी हुई और समझदार लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना। माधवी भाभी, मैं आपके घर गई थी। एक्चुअली मुझे भीड़े भाई को ये सोसाइटी मेंटेनेंस का चेक देना था, पर घर पे कोई नहीं था, आप दे देंगे प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल। ये रीटा एकदम सही वक्त पर आई है। पोपट भाई, ये रीटा भी आपकी तरह समाचार देने का ही काम करती है, तो उसके साथ ही जोड़ी जमा लीजिए ना। नहीं, I mean, no, never. It's impossible.
अरे नेवर फेवर, मैंने कहा हाँ बोला, मेरे लिए भी तुम कैंसल ही हो। और वैसे भी तुम मीडिया वाले एक नंबर के इरिस्पॉन्सिबल होते हो। हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबल होते हैं? गैर जिम्मेदार, कहीं भी जाकर कुछ भी बोलते हो। आप लोगों का क्या ख्याल है, बारिश में खड्डे क्यों गिरते हैं? भाई खड्डे बारिश में नहीं गिरेंगे तो क्या धूप में गिरेंगे? अच्छा, और तुम लोग क्या करते हो? हमारी आज की दिखाई खबर को शब्द फेर कर अपने न्यूज पेपर में छाप देते हो, बासी खबर बताते हो तुम लोगों को। बकवास, हर न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बना देते। आजकल पशु पक्षियों की लव स्टोरी दिखाते हैं टीवी के। अच्छा जी, और तुम्हारे तूफान एक्सप्रेस ने आज तक क्या कर दिया? कौन से तूफान ले आया वो देश में? अरे मैं खुद एक तूफान हूँ, मुझे किसी एक्सप्रेस की जरूरत नहीं है। अपना काम और माता नहीं है, काटने की जरूरत नहीं है। और दया भाभी, आपको एक बात बताऊं, अगर ये पत्रकार पोपटलाल इस दुनिया का आखिरी लड़का भी हुआ ना, तो भी मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। इससे अच्छा तो मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह लूंगी, कुंवारी रह लूंगी, कुंवारी रह लूंगी, कुंवारी रह लूंगी। ये देखो पत्रकार पोपटलाल का सबके सामने इस तरह से इंसल्ट, मैं दुनिया हिला दूंगा। अरे चलो चलो, तुम क्या दुनिया हिलाओगे, खुद को हवा के झोंके के साथ हिलते रहते हो। देखियो मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, आप लोग साथ हो जाइए प्लीज। दया भाभी आप इतना बोल रही है ना, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वरना जिनके दिमाग में राय भरी है ना, वो भी सुन ले कि मेरी पसंद कितनी ऊंची है। अरे बड़े आई ऊंची पसंद वाले, खुद को देखा है कभी आईने में? तुम भी कभी मेरी चॉइस नहीं हो सकते हो। ए बदतमीजी से बात मत करो, तमीज से बात करो, मैं रेस्पेक्टेड पत्रकार पोपटलाल हूँ। इस तरह से बात करोगी ना तो गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर निकाल दूंगा मैं। अरे पोपट भाई, आप हमें बताइए कि आपको कैसी लड़की अच्छी लगती है? मेरे लिए कोई प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मुझे वैसे भी अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। हाँ तो मैं भी कोई करने वाली नहीं हूँ तुम्हारे लिए कोई ब्रेवरे। कुछ भी बोलता है। दया भाभी आप भी क्या, कभी भी कहीं पे भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर देते हो। कहाँ मैं और कहाँ वो पत्रकार पोपटलाल? रीटा मेरी गलती हो गई, क्या करूँ अब, सॉरी। इट्स ओके दया भाभी। अच्छा चलिए, मुझे काम पे जाना है, मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। चलो चलो खेलते हैं, चलो ना। हाँ अच्छा भाभी, चलिए ना। अरे 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 क्या है? अरे सेठ जी आपने रपे छोड़ा ना चश्मे बद्दूर, तो आपका र मैंने लिया और मैंने रमैया वस्ता वैया यह छोड़ा, आपको यह दिया, यह पे गाइए। ये क्या अंताक्षरी चालू कर दी आपने? मैंने कहा शुरू की है, आपने शुरू की है, पहला गाना आपने गाया था। अरे भाई वो तो आज सुबह से पुराने गाने याद आ रहे थे तो ऐसे ही गुनगुना रहा था। वेरी गुड सेठ जी, गुनगुनाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, जीवन में संगीत तो होना ही चाहिए। Life is for enjoyment only. Also, चलिए ये पे गाइए। टिक टिक वन, टिक टिक टू। ठीक है रहने दीजिए, आपके बदले मैं ही गाना गा लेता हूँ। हेलो बोल दे। आपको पता है मेहता साहब की एक फैन है और उसने आज उनको पेन भेजा है। हाँ पता है। अरे सुनिए तो सही, उस फैन का आज फोन आया था और वो लड़की है, लड़की। अच्छा। और पता है जब अंजलि बाबी ने उसका नाम पूछा तो उसने फटाक से फोन रख दिया। क्या बात कर रही है? हाँ आपको क्या लगता है कौन हो सकती है वो लड़की? मुझे कैसे पता? अरे हाँ वो भी है। चलो और कुछ। हम लोग आज क्लब हाउस में थे ना तो वहाँ पर बहुत बड़ा जबरदस्त झगड़ा हो गया। झगड़ा?
किसका झगड़ा हो गया? वो क्या है, हम सब लेडीज क्लब हाउस में थे और तब पोपट भाई बबीता जी को अपने घर की चाबी देने के लिए वहाँ पर आया। तो बातों बातों में पोपट भाई की शादी की बात निकली और तभी रीटा जी भी वहाँ पर आ गई। तो मैंने भोले मन से कहा कि आप और रीटा शादी कर लो। उसमें तो बाप रे, मैं क्या बताऊँ, पूरा क्लब हाउस दोनों ने सर पर ले लिया। लेकिन पोपट लाल की शादी का डोट डापन करने के लिए तुझसे किसने कहा? नहीं, किसी ने नहीं कहा। तो फिर? नहीं, मुझे बस ऐसा लगा कि पोपट भाई के लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए। क्यों, तुझे क्यों ऐसा लगा? तू पोपट लाल की माँ लगती है। नहीं, तो बहन लगती हूँ। और मैं ही नहीं, गोकुलधाम सोसाइटी की सभी औरतें उनकी बहन जैसी है और भाई का घर बसाना हमारा फर्ज है। तो बाकी सारी बहनें हैं ना, उनको ढूंढने दे पोपटलाल के लिए लड़की, तू रहने दे, हाँ तू अपना काम कर। अरे लेकिन। अरे क्या लेकिन, दया तू एक बात समझ, ऊँट होता है ना ऊँट, उसके 18 अंग टेढ़े होते हैं, तो ये पोपटलाल है ना ऊँट का बाप है, इसलिए उसके लिए लड़की ढूंढना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है, समझे? चल फोन रख। सेठ जी, आप पत्रकार पोपटलाल की शादी के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। तो मेरी नजर में पोपटलाल के लिए एक औरत है। औरत? हाँ, तो इस उम्र में पोपटलाल को औरत ही मिलेगी ना, लड़की थोड़ी मिलेगी। वो भी है, कौन है वो औरत? हमारे पद्मावती भोजनालय की मालकिन पद्मा बेन, वो अभी तक कुंवारी है। फोन लगाओ। अरे भाई छोड़ो ना, जाने दो, वो पोपटलाल ढूंढ लेगा अपने लिए लड़के। जी कहिए। मैडम ये गुलदस्ता। गुलदस्ता किसने भेजा? पता नहीं। अच्छा, थैंक यू जी। ये गुलदस्ता किसने भेजा? अच्छा, तारक ने भेजा होगा। सुबह मैं गुस्से में थी ना, तो मुझे मनाने के लिए। तारक आप भी ना। वाह तारक, आपका भी जवाब नहीं। प्रिया अन प्रिय तारक, शायद तुम वह हमारे गार्डन में मिलने के पल भूल गए हो, इसलिए यह फूल भेज रही हूँ। है शायद तुम्हें फूल देखकर गार्डन में बिताए पल याद आ जाए। I love you प्रिया तारक, I love you. I love you तारक किसने लिखा? तारक फोन उठाओ, तारक फोन उठाओ। तारक फोन उठाओ। ये तारक वाली, एक बार पता चलने दे तू कौन है, तेरा तो कचुमा बना दूंगी। हे भगवान, तारक फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? I love you प्रिया तारक। ये किसने लिखा? प्रिया तारक, I love you। तारक तुमने मेरे साथ धोखा किया, अब तो तुम घर पे आओ तारक, आज तो तुम्हारी खैर। अंजलि अंजलि अंजलि, खुशखबरी। अरे तुम्हें याद है वो डॉक्टर स्वाति के साथ जो मैंने किताब लिखी थी कामयाबी कैसे, वो वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड बुक्स में आ गई है। अंजलि, अच्छा सुबह का गुस्सा उतरा नहीं है अभी तक? क्या सूखे पत्ते की तरह चेहरा मुरझाया भाई, दुश्मनों की तबीयत नासाज है क्या? लीजिए
आपके लिए फूल। ये फूल आप उसी को दीजिए जिसके साथ आप गार्डन में घूमते हैं। क्या? किसके साथ गार्डन में घूमता हूँ? क्या कहना क्या चाह रही हो तुम? अच्छा, ये क्या है? ये गुलदस्ता है और क्या? ये सिर्फ गुलदस्ता नहीं है, उसके साथ ये देखिए, ये क्या है? ठीक है, प्रेम पत्र है। प्रिय तारक, शायद तुम हमारे गार्डन में मिलने के वह पल भूल गए हो, इसलिए यह फूल भेज रही हूँ। शायद तुम्हें वह गार्डन में बिताए पल याद आ जाए। आई लव यू। कौन कर रहा है ये सब मजाक अंजलि? ओ, तो ये मजाक है। मजाक ही तो है। अच्छा, सुबह पेन के साथ बॉक्स में आई लव यू लिख कर आता है, ये मजाक है? दोपहर को एक लड़की फोन करके मुझसे पूछती है कि तारक कहाँ है। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने फोन काट दिया, ये मजाक है? और अभी इस प्रेम पत्र के साथ फूल का आना, ये भी एक मजाक है? मजाक नहीं है तो और क्या है अंजलि? अच्छा, तो ये सब मजाक है तारक? हाँ अंजलि, तुम भी समझने की कोशिश करो। चलो, किसी ने पेन भेज दिया होगा, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कोई फोन आता है तो तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए ना, बताना चाहिए ना। मैंने आपको दिन में कितनी बार फोन किए, पर आप मेरा फोन क्यों उठाएंगे? तुमने फोन किया? ओ या, 20 मिस्ड कॉल्स। ओ हाँ, मेरी मीटिंग थी तो मैंने फोन साइलेंट पे कर दिया था, इसलिए निगाह में ही नहीं आया और सुनाई भी नहीं दिया ना, यू नो। देखो देखो, साइलेंट पे। डियर तारक, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रही हूँ। आई लव यू। आपके सेल फोन पे एक मैसेज आता है कि मैं आपसे मिलने आपके घर आ रही हूँ, आई लव यू। अगर आप अविवाहित हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर आप विवाहित हैं और नहीं जानते कि मैसेज किसने भेजा है तो बहुत सारे तूफान आ सकते हैं, और उन्हीं तूफानों से आपके अपने प्रिय तारक मेहता इस वक्त घिरे हुए हैं, क्योंकि एक मैसेज आता है मेरे फोन पे कि वो मिलने मुझसे घर आ रही है। कौन है वो? मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता कि आखिर ये है कौन। वो लड़की कौन होगी जिसने गिफ्ट में पेन भेजा? वो लड़की कौन होगी जिसने गुलदस्ता भेजा? वो लड़की कौन होगी जिसने फोन करके पूछा कि तारक कहाँ है? वो लड़की कौन होगी जिसने आई लव यू कहा और ये भी कहा कि मिलने घर आ रही है? अब सोचिए तो, जब आप विवाहित जीवन में इस स्थिति का सामना करते हैं तो फिर कोई और स्थिति का सामना करने के लायक नहीं रहते। एक पत्नी के लिए इतना बहुत होता है कि पराई स्त्री उसके पति के जीवन में आ जाए। पत्नी अपनी उम्र से ज्यादा दिखना बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पराई स्त्री की बात कभी बर्दाश्त नहीं करती। और इस वक्त तारक मेहता के घर में, यानी कि मेरे अपने घर में, स्थिति बिल्कुल बाढ़ जैसी है। एक ऐसी बाढ़ जिसको कंट्रोल सरकार भी नहीं कर सकती। मेरी मदद आखिर कौन करेगा, क्योंकि हर कोई ये जानने को बेताब है कि लड़की कौन है, और मैं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे है कि इस वक्त मेरा घर अंजलि ने रौद्र रूप धारण करके कुरुक्षेत्र के मैदान की तरह बना दिया है। जब आगाज ऐसा है तो अंजाम क्या होगा, लेकिन एक बात तय है, इसमें घायल होंगे सिर्फ तारक मेहता, यानी कि मैं। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये है कौन, क्या करने वाली है लड़की। मैं अपने दोस्त जेठालाल का फायर ब्रिगेड बनकर जाता हूं उनकी मुसीबत दूर करने के लिए, लेकिन मेरी मुसीबत कौन दूर करेगा? आखिर कौन है मेरा फायर ब्रिगेड? प्रश्न यह नहीं है कि कौन है मेरा फायर ब्रिगेड, प्रश्न यह है कि लड़की कौन है, कौन आ रही है जिंदगी में आग लगाने के लिए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठहाकों के साथ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।